अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उस्मान और आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान ब्लॉग्स देख रहे हैं। आपको मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत शामिल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज ब्लॉग स्टार्ट करने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी इस वक्त तकरीबन 6 बजने वाले हैं और इस वक्त ना अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। यकीन करें इतना मुश्किल था ना कल वाला ब्लॉग एडिट करना। मुझे लगता है वो स्पेशल ब्लॉग ना 30 मिनट का था कम से कम, और उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो चले अपना न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस, एज ऑलवेज इस वक्त ना ज़्यादातर तो काम होता है, जो मस्ती मजाक होता है वो हमाद भाई के साथ होता है। हमाद भाई गए हैं चाचू के साथ फर्नीचर लेने के लिए, तो वो आएंगे रात तक, क्योंकि वो सुबह से गए हुए हैं। मैं जब उठा था उस वक्त भी वो घर पे नहीं थे, तो वो जब आएंगे तो हो सकता है उस वक्त तक मैं अपना ब्लॉग एंड कर लूँ। यहाँ पे हमारे साथ अब्दुल्ला है और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से चूज़ा भी बड़ा हो चुका है। अजान भाई उस दिन मुझे बोल रहे थे कि भाई ना आपके मुर्गी के ना छोटे छोटे बच्चे निकले, आपने ऐसा नहीं किया भाई, आप मुझे एक चूज़ा दे देते। मैंने बोला यार भाई चूज़ा एक ही निकला है, अगर वो भी आपको चाहिए तो आपको दे देंगे, मसला कोई नहीं है, मगर एक ही निकला है। तो अजान भाई ने बोला चलो यार नेक्स्ट टाइम फिर कभी अंडों में से बच्चे निकले तो आपको लाजमी दे देंगे। मैंने भी बोला भाई ठीक है। तो कल के ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। ये देखो कल हम सब दोस्तों ने अपने लिए टैटू बनवाए हाथों पे, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा की। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ चाइनीज़ लोग लोग भी देखे थे, चाइनीज़ भी थे साथ में, अमेरिकन भी कुछ थे, और हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की। दुल्हा अभी थोड़ी देर पहले आप रो रहे क्यों थे जी? आप नीचे वाली जो लास्ट वाली दो है लगी तो नहीं? नहीं ना आपको नहीं। है। कहाँ लगी है? ओह दिखाओ। आप कितने बजे गिरे थे आज? आज कितने बजे? दोपहर को गिरे थे, सुबह गिरे थे, कब गिरे थे आप? आज ही गिरे थे भाई, ये आज ही गिरे थे। इनको इतना पता है बस आज ही गिरे थे, टाइम नहीं पता। टाइम नहीं पता ना आपको? तो टाइम नहीं पता। यहाँ पे चाचू कुछ मेस लेके आए हुए, मेस मतलब कि यहाँ पे लकड़ी, जो भी घर पे लकड़ी के टाइप की जो चीज़ें होती है वो फालतू पड़ी होती है ना, तो चाचू क्या करते हैं? हाँ वो बाद में बताएंगे। तो अभी ना चाचू वो लेके आए, आपको दिखाते हैं हम लोग। ये देखें, इस टाइप की घर पे कोई भी लकड़ी मौजूद हो वो हमेशा हमारे पिंजरों में काम आती है, या तो उस पर ऐसे लगा देते हैं छत की तरफ, या फिर उसको ना किसी इस तरह से इसको यूज़ करते हैं कि भाई अंदर लग जाए, या फिर पिंजरे की तरफ जो ना, जैसे कि अभी पहले यहाँ से टूटा हुआ था वो हमने गेट बना लिया। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ऊपर भी देखें आप, लकड़ियाँ बहुत है हमारे पास, मगर यूज़ करने में थोड़ा बहुत मसला आता है कि भाई किस चीज़ को किस तरफ यूज़ करना और कितनी मजबूती से यूज़ करना है। तो आपको वो दिखाते हैं, अभी हम अपने चूज़े की तरफ बढ़ते हैं। चलें आपको दिखाते हैं चूज़ा। चूज़ा बड़ा हुआ है, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये अभी हमारे पास भी नहीं आ रहा, ये बदमाश है। क्या है? ये बड़े बड़े चूज़े नहीं, बदमाश है। बड़े वाले चूजे बदमाश हैं, और ये छोटा वाला चुन्नू मुन्नू, ये चुन्नू मुन्नू है, ये बदमाश नहीं है? नहीं। चलो भाई, इसने बोला कि आप लोग बदमाश हो, सही है, आप लोग दूर हो जाओ। चलो चलो, भाई थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करना चाहिए चूज़ों के साथ। बेटा मुर्गी आपको बाइट करेगी, आप रोना शुरू हो जाओगे। मुर्गी कभी बाइट, आपने आपको कभी मुर्गी ने बाइट किया है? हाँ। कब किया है दिखाओ। अच्छा अब्दुल्ला बात सुनो, नहीं इसको छोड़ो, ये तो दाना है, मेरी बात सुनो। एक काम करता हूँ, आज के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब्दुल्ला से कुछ सवालात करते हैं। हाँ भाई, सवालात के जवाब दोगे आप? ऊपर देखो, दोगे जवाब? हाँ। पक्का? देख लो, जवाब देना है फिर। मुझे नहीं आसान। नहीं नहीं, मतलब कि मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब आपको आता हो, आपके लेवल के हिसाब से आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है?
दोगे जवाब? चलो भाई हम अपने सवालात का सेशन शुरू करते हैं अब्दुल्ला के साथ, जो भी हमेशा हम लोग इसके साथ हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हंसी मजाक करने में जो मज़ा आता है वो कहीं भी नहीं आता। तो चले, ये अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, अभी इनसे हम सवालात पूछते हैं। हाँ अभी रेडी हो? हाँ। तो पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे, सही है? पहला सवाल नहीं आसान। हाँ आसान पूछूँ ना, मुश्किल नहीं पूछ रहा, सही है? सबसे आसान सवाल आप मुझे ये बताओ, आप दिन में कितने आप दिन में कितनी चीज़ें खाते हो? पहले टमाटर, आम, बनाना और केले तो एक ही होते ना, तो फिर पहले केले, फिर टमाटर, फिर बनाना। बोले पतंग कटती जा रहे। इधर है, किधर है? हाँ आप गाइस पतंग कट के आ रहे, वो शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल छोटा सा पतंग कट के आ रहा है। तो गाइस यकीन करें हमाद भाई की कमी ना बहुत ज़्यादा महसूस होती है जब भी वो घर पे नहीं होते तो, और साथ में ना हाँ सुना अपनी बात। सामान लेना। कौन गया हुआ है? कहाँ गया हुआ है? हमारे साथ और कौन गया हुआ है? केसर भाई, मेरा पापा, बस। हमारे भाई गए हैं, केसर भाई गए हैं और आपके वालिद साहब गए हैं, तीन बंदे गए हैं। तो ये कब तक आएंगे? ये शाम तक आ जाएंगे पक्का? ये शाम में ना आठ तक आ जाएंगे। ये शाम है तो आज रात तक आ जाएंगे? हाँ। तो मतलब कि शाम को नहीं आएंगे? नहीं। तो गाइस मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि भाई हम अपने ब्लॉग में अपने इस जनरेटर को, ये देखें आप, मतलब कि इसको लाए हुए मेरे ख्याल से अंदाजन 2 महीने लगभग हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए। तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे इस संडे को या फिर कल, हो सकता है हम लोग अगर फ्री हुए, हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे। तो चलेंगे गाइस, टाइम हो चुका है, हम अपने जो मुर्गे हैं बड़े वाले इनको आज़ाद, सबसे पहले आज़ाद करते हैं, फिर जो ना इनके सामने दाना पानी जो अंदर रखा हुआ है वो लोग ये लोग कर रहे हैं, मगर बाहर जो इनको थोड़ा आज़ादी चाहिए होती है तो इनको थोड़ी सी आज़ादी देते हैं, प्राइवेसी देते हैं। प्राइवेसी मतलब कि ये इधर उधर घूमेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। तो चलें इनको आज़ाद करते हैं, चलें। चलो 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 चलो, अभी गाइस आप इनकी शैतानियाँ देखिएगा। मुझे लगता है इन लोगों ने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया हुआ था, जिसकी वजह से अभी ये लोग सबसे पहले पानी पी रहे हैं। चले आप देखें, इसको बोलते हैं इत्तेफाक, बोलते हैं इसको, जो कि चारों एक साथ एक कटोरी में पानी पी रहे हैं, इसको बोलते हैं इत्तेफाक। गाइस जब भी ऐसे आसमान पे से चीलें जब ऐसे सारी जमा हो रही हैं तो आप समझ जाएं भाई कोई भी इनकी तरफ गोश्त वगैरह फेंक रहा है, ऊपर ऐसा अक्सर फेंकते हैं ना, फिर चीला के पड़ के ले जाती हैं। तो मुझे लगता है उस साइड पे कोई इस तरह गोश्त फेंक रहा है जिसकी वजह से सारी चीलें जमा हो रही हैं और एक दूसरे से झपटे मार रही हैं। चलें हम आपको दिखाते हैं, हो सकता है आपको दिख जाए, नहीं दिखी तो क्या कर सकते अभी। मुझे लगता है गाइस ये काफ़ी टाइम से प्यासे थे, हमाद भाई आज घर पे नहीं थे और साथ में ना चाचू भी आज ऊपर नहीं आए, तो हो सकता है ये प्यासे थे। तो सबसे पहले मैंने भाई क्या किया, ये खोला और एक काम करते हैं इनके सामने थोड़ा बाजरा और दाना वगैरह कुछ फेंकते हैं, देखते हैं कहाँ पे पड़ा हुआ। तो गाइस हमने चावल फेंक दिए, तो गाइस फाइनली हमने ना अपने जो मुर्गे और मुर्गियां हैं वो हमने अंदर पिंजरे में डाल दिए हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ यार इनको आज़ाद ना करूँ, जो दाने वगैरह बाहर पड़े हुए हैं
इनको हम लोग अंदर ही फेंक दें और मुर्गी के अंदर ही, मुर्गी के लिए अंदर पानी रख दें तो वो बेस्ट है, क्योंकि भाई वो उसके साथ चूज़ा है तो बाहर निकालेंगे तो चूज़ा इधर उधर हो गया ना। बिल्ली और कौवे काफ़ी तंग करते हैं। तो गाइस इतने चावल हमारे पास जो है ये बहुत है चूज़े के लिए और मुर्गी के लिए, तो चले इनके पास फेंकते हैं पहले। चलो भाई, चलो भाई अपने काम पे शुरू हो जाओ और हम लोग अपने काम पे शुरू होते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और कल हमने जो स्पेशल ब्लॉग था उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि ये जो ना ट्रेंडिंग पे चले, क्योंकि भाई स्पेशल ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अक्सर ना बंदा रोज़ रोज़ पे तो दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा नहीं सकता, तो ज़्यादातर जो ब्लॉग होते हैं ना वो डेली के वो हाउस बेस पे होते हैं, मतलब जो बंदा डेली पे डेली रूटीन में करता है वो होते हैं। तो चले हम अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अब्दुल्ला, वीडियो अच्छी लगी है तो और चैनल अच्छा लगता है तो भाई स्प्राइट करें, चैनल को स्प्राइट करें। तो मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।